हाँ मतलब ऑफ़ कोर्स आई थिंक आई थिंक कोई भी जो ऐसा नहीं क्रैक कर सकते हम लोग कि मतलब जो किसी को पर्सनली चोट पहुंचे बट आई थिंक ह्यूमर इज समथिंग विच शुड बी टेकन एज ह्यूमर यू नो नो मैटर वट आई मीन आई थिंक यही तो है कमाल की बात कि हम अपने को सीरियसली ना लें जब हम स्टेज पे हों जो लोग नीचे बैठे हैं वो भी सीरियसली ना लें बिकॉज इट्स नॉट रियली अरियस एटमोस्फियर इट्स फॉर सेलिब्रेटिंग आर इंडस्ट्री द हार्ड वर्क एवरीबडी पुट्स इन सो इफ़ यू कैन जस्ट सेलब्रेट दैट डे आई थिंक दैट्स माई गोल यू नो आई एम नॉट लुकिंग टू कुछ अलग या कुछ स्पेशल नहीं करना चाहता मैं बस सेलिब्रेट करना चाहता हूँ अपने आप को इस इंडस्ट्री को और उस पूरी ऑडियंस को जो हमें इतना इतने सालों से प्यार देती हुई आई है देश के ऑडियंस और इंटरनेशनल ऑडियंस दोनों

आई एम फीलिंग अ लिल बिट नर्वस बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि पहली बार एक्शन अवतार में आप मुझे देखेंगे ट्वेंटी एथ सेप्टेम्बर इट्स अ बिग स्केल फिल्म बहुत मज़ा आने वाला है मेड अ ग्रेट फिल्म एंड देन आफ्टर दैट इज़ द सेलिब्रेशन इन अबू धाबी एंड आई थिंक आई एम गन एन्जॉय माई सेल्फ टू द फुलेस्ट एंड आई एम श्योर की ऑडियंस uh, को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और uh, एक एक समा बांध देंगे जो कहते हैं ना एक माहौल बना देंगे सो दैट्स वैट्स वट माई इंटेंशन इज़ टू जस्ट गो दैट एन एंड आई थिंक आई एम ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपरचुनिटी Uh, to host IFA and um, yeah, this is the first time also I'm uh, uh, coming to IFA because I was supposed to come uh, three four years back for Gully Boy. Uh, I had won an award, but that time sadly the pandemic was going on, so I couldn't. So the award came home. So this is the first time I'm going to step on that stage, and I'm going to step on the stage as a host. Uh, so yeah, so uh, I'm, I'm back to my MC, which is the mic controller. Uh, so let's 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 see how much uh, fun you're, gonna have. So you're going to have. वेल इफ नाइट नाइटो सो इफ कोई जुगलबंदी बनी इट्सो लाइक यू नो शंकर एहसान लॉय दे आर परफॉर्मिंग देयर सो कुछ बना तो आई थिंक यार मुझे वो वो चम्मच में नींबू रखते हैं ना उस रेस में मुझे थर्ड प्राइज मिला था Uh, क्योंकि uh, नींबू तो नहीं मतलब वो uh, चम्मच मेरी हिल जाती थी हमेशा ऐसे गिर जाती थी और देखिए दांत में अभी तक थोड़ा सा एक है तो वो थर्ड प्राइज़ मिला था उस चीज़ का मुझे हमेशा से uh, रहा है तो कभी अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिशन हुआ स्टेज पर तो uh, मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा